एसपी ऑफिस के पास में ही गुंडागर्दी हुई और एक गरम कपड़े बेचने वाले दुकानदार के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की गई, जिसके विरोध में वाल्मीकि समाज जन ने आज केंट थाने में ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज जन के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। आज तहसील चौराहे स्थित दुकान पर पप्पू पिता शंकरलाल बंजारा अपनी दुकान में स्वेटर बेच रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्व उसके पास आए और स्वेटर का रंग उतरने की शिकायत को लेकर उससे अवैध रूप से स्वेटर ले जाने की मांग करने लगे, जिसको घटनास्थल पर खड़े राजेश सार्स ने देखकर उनको रोका और कहा, यह गरीब व्यक्ति है, इसके साथ ऐसा मत करो। राजेश के विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे दुकानदार के मालिक पप्पू बंजारा और राजेश सार्स को चोट आई। दोनों फरियादी घायल होकर तत्काल केंट थाना पहुंचे। किस प्रकार घटना हुई बताकर मुकदमा दर्ज करने हेतु गुहार लगाई। जैसे आज सुबह 9 बजे के समथिंग तो कोई ग्राहक था इधर नीमच का ही, तो उनका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो महीने भर पहले स्वेटर लेके चला गया, 1400 रुपये में स्वेटर दिया था। तो वापस वो आज एक महीने बाद वापस आया कि इसका ये कलर ख़राब हो रहा है ऐसा, जबकि स्वेटर बहुत सही, बिल्कुल सही है स्वेटर भी, लेकिन वो बोल रहा है कि स्वेटर ख़राब हो गया है ऐसा बोल रहा है। तो हमने बातचीत की, भाई यार स्वेटर ख़राब नहीं हुआ है, और पैसे वापस वो पैसे की मांग करने लगे कि पैसे देने पड़ेंगे वापस, डबल पैसे लेके जाऊँगा ऐसे ऐसे भेजामारी करने लगे। तो इसी में जो साथ वाले पड़ोसी जो दुकानें लगा रखी और एक राजेश जी राजेश भैया हैं, वो आए और वो भी समझाने लगे बीच में, यार भैया जाल की लत मत करो और जो भी हो ऐसे ऐसे समझ लो। तो राजेश भैया के यहाँ पकड़ लिया उन्होंने, तेरे को बीच में क्यों बोल रहा है, इन्हें मारपीट करने लगे। तो और उसने फ़ोन लगा के बुलाया 8-10 जनों को, तो टामिन ये लट वगैरह लेके आए, इन्हें धूमहल करने लगे, ऐसा ऐसा भी छीन लिया हमारे, और यहाँ से लकड़ी इन टामी की सबके ऊपर उन्होंने धारदार हथियारों से वार करने।